Welcome to the online classes of Divine Public School. Today I am going to explain the second chapter of class 7th, Nutrition in Humans and Animals. So today we have to solve the exercise. The very first question of this exercise is very short answer type questions, which you have to give in the answer in only one words. So let's start the exercise. The very first question is, name the two organisms that live on the liquid food only. कैसे वे दो organisms के नाम बताना है जो liquid food पर survive करते हैं. तो पहला है mosquito और दूसरा है butterfly. Second question is, name the cavity of unicellular organism in which the food is present. Unicellular organism के cavity के बारे में बताना है जहाँ food present रहता है, तो वह है food vacuoles. And the third question is, what is the white hard substance that cover the teeth? जो हमारे white substance, वह कौन सा white substance होता है जो हमारे दांत को cover किया हुआ रहता है, तो वह है enamel. The fourth question is, name the process in which absorb the food is used for producing energy. वह कौन सा process है जिसमें absorb किया हुआ food energy produce करना शुरू कर देता है या producing energy producing start करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टिकी फिल्म ऑफ द टीथ कंसिस्ट ऑफ द फूड पार्टिकल सलीबा एंड बैक्टीरिया. वह कौन सा चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे फूड पार्टिकल सलीबा और बैक्टीरिया को कंटेन करता है, वह होता है प्लाक. सो ए सेक्शन इज टोटली कंप्लीट. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर इन 10 to 15 वर्ड्स. 10 से 15 वर्ड में हमें यह देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका पहला ग्लैंड्स है सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा है लीवर, तीसरा है पैनक्रियाज एंड फोर्थ वन इज गॉल ब्लैडर्स. ये फोर जो है ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंडस्टाइन. लार्ज इंडस्टाइन का क्या फंक्शन होता है. तो लार्ज इंडस्टाइन रिमूव द मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन साल्ट्स. जो लार्ज इंडस्टाइन होता है वह हमारे बॉडी से रिमूव करता है, बाहर निकलता है वाटर और साल्ट्स को फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट बाई अब्जॉर्प्शन, जो वेस्ट हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं उससे. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक इन रूमेन. रूमेन में कौन से स्ट्रक्चर स्टमक के होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है थर्ड क्वेश्चन में. तो थर्ड क्वेश्चन इज, द ह्यूमंस हैव ए फोर चेम्बर्स. जो ह्यूमंस होते हैं उनके फोर चेम्बर्स होते हैं इनके स्टमक में. पहला होता है, इन्हें रूमन कहा जाता है, रेक्टिकुलम कहा जाता है, ओमासम कहा जाता है और एबोमासम कहा जाता है. ये फोर चेम्बर्स होते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, शो विद द हेल्प ऑफ फ्लोशीट डाइग्राम द न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पर जो है दिया गया है, कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहला यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है, द डाइजेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन द असिमिलेशन एंड द अमीबा ग्रो अप द न्यूट्रिशन इन प्रोसेस इन अमीबा. तो मैंने पहले ही चैप्टर जब मैंने पढ़ाया हुआ था, व्हेनेवर आई हैव टू टाट यू द लेसन ऑफ दिस चैप्टर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अमीबा, हाउ अमीबा कैच देयर प्रे विद देयर फॉल्स फीट इज नोन एज सूडोपोडिया एंड हाउ दे आर सर्वाइव by catching the microorganism to eat them. So this is the figure. यह पूरा figure दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रे को कैसे अपने बॉडी के आकार को चारों तरफ से चेंज करके यह अपने प्रे को पकड़ता है. डी, कम टू एक्सरसाइज नंबर डी. टिक द ऑड वन आउट गिविंग द रीजन. रीजन के साथ हमें ऑड वन को टिक करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, काउ हॉर्स ह्यूमन बींग्स. इसमें अमीबा जो रहता है आर्ड वन है, क्योंकि अमीबा जो रहता है उसके पास माउथ नहीं होता है और बाकी जितने भी इधर एनिमल्स हैं, हॉर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनके पास माउथ होता है, वो अपने दांतों से फूड को चबाते हैं. तो इसकी वजह से अमीबा जो है आर्ड वन है. कैनाइन्स प्रीमोलर चीविंग ग्राइंडिंग. कैनाइन्स मीन्स ये टीथ होते हैं, प्रीमोलर कैनाइन्स मीन्स होता है काटने वाले, प्रीमोलर्स चीविंग ग्राइंडिंग्स, इसमें से जो रहता है प्रीमोलर जो रहता है आर्डवन है. थर्ड क्वेश्चन है, पल्प कैविटी, क्राउन, बकल कैविटी, प्लाग, ये बाकी सब माउथ के ही पार्ट हैं और इसमें बकल कैविटी जो रहता है वो आर्डवन है.
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी। किडनी जो रहता है स्टमक के नीचे रहता है, बाकी सब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के पार्ट हैं। तो इसकी वजह से जो किडनी होगी वो ऑड वन हो जाएगा। फिफ्थ में सुडोपोडिया, कैप्सिकम, रूमन, बाकी सभी तीन ऑप्शन जो है ये रूमन में पाए जाते हैं। ठीक है, चौपाए में सुडोपोडिया जो रहता है फॉल्स पीट है, जो कि अमीबा में पाया जाता है। तो ऑड वन फिफ्थ जो है सुडोपोडिया ऑड वन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विक असाइनमेंट, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। वी हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वेरी केयरफुली, बिकॉज इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस देन वी कांट गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ईच जा कॉन्सिस्ट ऑफ टीथ, एक जा में कितने टीथ कॉन्सिस्ट होते हैं, तो 16 होते हैं। दूसरा दिया है द जूस सेक्रेट बाई द ग्लैंड्स इन द स्टमक वाल इज, जो जूस सेक्रेट होता है स्टमक वाल्स में उसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। थर्ड है द केमिकल दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड, जो डाइजेशन में हेल्प करता है वह केमिकल्स उसे डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है अपर पार्ट उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ड्यूडेनम कहा जाता है, ड्यूडेनम कहा जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है ग्लाइकोजन फॉर्म फ्रॉम एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड गेट स्टोर्ड इन, इसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर बी है, वन वर्ड्स हमें देना है प्रत्येक एवरी क्वेश्चन का। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ द गेटिंग एंड ईटिंग फूड, इस प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द वाइट पार्ट ऑफ द टूट कॉन्टेनिंग कैल्शियम, सबसे वाइट पार्ट ऑफ द टूट, टूट का वाइट पार्ट जिसमें कैल्शियम कॉन्टेन होता है तो वह उसे इनेमल कहा जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ओसोफेगस टू एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम ओसोफेगस से एनस की तरफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। द फ्लेसी मस्कुलर आर्गन डैट हेल्प इन डाइ स्पीकिंग, फ्लेसी मस्कुलर आर्गन जो बोलने में हमें हेल्प करता है तो उसे टंग कहते हैं। लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द बॉडी ऑफ द रूमिनेंट्स, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन रूमिनेंट्स के बॉडी में होता है उसे कैस्कम बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, डैट इज द मैच द फॉलोइंग एंड वी हैव टू फ्रॉम वन कॉलम ए टू कॉलम बी केयरफुली। बिफोर सॉल्विंग द मैच द फॉलोइंग वी हैव टू वेरी केयरफुली सी द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हमिंग बर्ड, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड जो रहती है वो हमेशा फूलों से शहद लेती है, तो इसका हमिंग बर्ड का जो क्वेश्चन है या पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा सकिंग। ठीक है, हक सकिंग इस होता है खींचना। दूसरा है बकल कैविटी, बकल कैमिलिटी एलिमेंट्री कैनाल से के अंतर्गत आता है, इसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है तो यह लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। रूमेंस मिस होते हैं चौपाए जिनमें जिसके चार पैर होते हैं जो ग्रास ईटिंग से एनिमल कहलाते हैं वो है काऊ हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स में जो रहता है यह अमीबा में पाया जाता है तो इसकी वजह से यह फिफ्थ क्वेश्चन अमीबा में हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर सेकेंड। सो टुडे वी हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज एंड यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस इन योर कॉपी वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन इन अ प्रॉपर टाइम, दैट्स वाई यू हैव टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। So you have a great day. Thank you.